सीताराम 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 कहिए जाहि विधि रखे राम वही विधि रहिए। विधि का विधान समझ के, विधि का विधान समझ के हानि लाभ सहिए। जाहि विधि रखे राम वही विधि रहिए। जाहि विधि रखे राम वही विधि रहिए। गुड इवनिंग प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल साइंस संग्रह में। तो आज हिंदी का ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ही झकास होने वाला है, क्योंकि आज का जो सेशन है ना, इसके अंदर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं आपको पता है। संपूर्ण क्रांति जो भाषण चैप्टर था ना, उस चैप्टर का हम लोग क्या करेंगे दोस्त। सब कोई आ जाओ जल्दी से फटाफट। आवाजें जा रही है कि नहीं? आवाज जा रहा है ना? सबको एक बार कंफर्म कर देंगे प्लीज, बता दो सब दोस्तों। 1 सेकेंड जरा सा ये देख लें क्या स्थिति है इसका। हरे राम आ गए सब कोई। यस गुड इवनिंग। हमेशा मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए ना। चलो तो आज जो चैप्टर है हमारा, तीसरा लेसन है संपूर्ण क्रांति, जो कि भाषण है लोकनायक जयप्रकाश जी नारायण जी के द्वारा दिया गया। यह भाषण है जो कि मतलब कि क्रांतिकारी तरह का था। ये एक ऐसा भाषण था जिसको सुनते ही आप एकदम अंदर से बौखला जाएंगे। आपके अंदर जो नई पीढ़ियां है ना, वो तो बहुत ही ज्यादा जोशीले हो जाएगी। और फाइनली देश में क्या चल रहा होता है, क्या नेताओं की वास्तविकताएं होती है, उनसे आप आसानी से परिचित हो जाएंगे, ठीक है ना। चलो अब नींद आ रहा है तो हम क्या करें सर, नींद आ रहा है क्या करें, सो जाओ। नींद आ रहा है तो क्या किया जाएगा, तो जाओगे नहीं ना। चलिए क्वेश्चन आंसर करना है। चैप्टर का एक्सप्लेनेशन तो लाइन बाय लाइन हम आप लोगों को करा दिए हैं, तो अगर आप एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं देखे हैं तो जा करके जरूर देख लीजिएगा। चल क्वेश्चन है कि आंदोलन के नेतृत्व के संबंध में जयप्रकाश नारायण के क्या विचार थे। आंदोलन का नेतृत्व वे किस शर्त पर स्वीकार करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कि आंदोलन के संबंध में नेतृत्व में, आंदोलन का नेतृत्व के संबंध में, आंदोलन का नेतृत्व भैया कौन करेगा, कैसे करेगा, इसके बारे में जयप्रकाश नारायण जी का क्या विचार था। और नेतृत्व उन्होंने ही संभाला, लेकिन किस शर्त पर संभाला, किस शर्त पर स्वीकार किया, ये सारी चीजों को आज हम लोग करेंगे इसमें डिस्कस। देखिए आंदोलन के नेतृत्व के संबंध में जयप्रकाश नारायण के विचार थे कि मुझे नाम के लिए नेता नहीं बनना है। वो कहते हैं कि भैया आप लोग नए पीढ़ी के हो, आपके अंदर जोश है, आप युवा है, कल चल के देश का भविष्य आपके हाथों में होगा, आप क्यों नहीं आगे आते हो। आप आगे आओ और जहां सलाह की जरूरत पड़ेगी, हाँ हम है ना, हम बूढ़े बुजुर्गों से आप सलाह लो, हमारी उम्र अब उस तरह की नहीं रही। लेकिन फिर लास्ट में बहुत सारी शर्तें होती है। आंदोलन के नेतृत्व के संबंध में जयप्रकाश नारायण के विचार थे कि मुझे नाम के लिए नेता नहीं बनना है, समझ जाओ। यदि मुझे सामने खड़ा करके कोई पीछे से बताए कि मुझे क्या करना है, तो मैं इस नेतृत्व को स्वीकार नहीं करूंगा, उसी समय इनकार कर दूंगा। ऐसे देखो कह रहे हैं कि नाम के लिए भैया नेता हमारा नहीं बनना है। जो आजकल के नेता होगा ना ढकोसला, उस तरह का नेता नहीं बनना है। अगर सामने से कोई हमको खड़ा करके आप पीछे से कोई बताए कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है, तो इस नेतृत्व स्वीकार करने के लिए उन्होंने एक शर्त रखी, इस तरह का मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। और उन्होंने शर्त रखा, क्या शर्त था, कि मैं सबकी सलाह लूंगा, सबकी बात सुनकर उनसे बातचीत भी करूंगा और अधिक से अधिक बातें स्वीकार करने की कोशिश भी करूंगा, लेकिन अंतिम जो फैसला होगा ना वो मेरा होगा और उसे हर किसी को मानना भी पड़ेगा। ये शर्त था उनका।
किनका ये शर्त था जयप्रकाश नारायण जी का कि नाम का नेता मत बनाओ, मुझे मुझे नाम का नेता नहीं बनना है, मुझे सामने खड़ा करके पीछे से कोई समझाए कि ये करो वो करो ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। और रही बात शर्त की, तो ये शर्त उन्होंने रखा था कि देखो मैं सबकी बात सुनूंगा, सबसे बातचीत भी करूंगा और अधिक से अधिक कोशिश रहेगी कि हम सबकी बातों को स्वीकार करूंगा, लेकिन अंतिम फैसला मेरा होगा, मैं जो फैसला लूंगा वही सर्व मतलब कि सभी के लिए वही फैसला मान्य होगा, सर्वमान्य फैसला होगा, सबको मानना भी पड़ेगा, तब तो नेतृत्व का कोई अर्थ है और तभी क्रांति सफल हो सकती है। मैं जो कहूंगा, मैं जो फैसला लूंगा वो आप सभी को मानना पड़ेगा, तब नेतृत्व का सही अर्थ साबित होगा, नहीं तो भैया ऐसे ही हम लोग घिसटते पिसटते रह जाएंगे। बात समझ में आया? चलिए स्क्रीनशॉट चाहिए ले लो, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो पहला क्वेश्चन का। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है? सेकंड नंबर क्वेश्चन है जयप्रकाश नारायण के छात्र जीवन और अमेरिका प्रवास का परिचय दीजिए। अमेरिका जब वो रहने गए थे किस स्थिति में गए थे और किस व्यू से गए थे, किस तरह का वहां पर उनका जीवनचर्या रहा, उसके बारे में बता देना है। और इस अवधि की कौन सी बातें आपको प्रभावित करती है? देखिए जयप्रकाश नारायण का छात्र जीवन बहुत ही संघर्षशील रहा, हर किसी का संघर्षशील होता है लेकिन कोई सौखिया में बदल जाता है ना, संघर्षशील। देखिए सीखिए इन जयप्रकाश नारायण जी से, हम सबको सीखना चाहिए, ये लोग हमें सीखने के योग्य हैं। देखिए वे साइंस के छात्र थे, जयप्रकाश नारायण जो थे वो विज्ञान फैकल्टी के छात्र थे, साइंस के विद्यार्थी रहे। वे कुछ दिन कुलदेव बाबू के साथ लेबोरेटरी में रहे थे, बिहार विद्यापीठ से वे ISC की परीक्षा पास किए, बिहार विद्यापीठ से ISC की परीक्षा उन्होंने दिया, ठीक है ना। वे स्वामी सत्यदेव के भाषण सुने थे, स्वामी सत्यदेव के भाषण सुन करके वो अमेरिका जाने के लिए ललायित हुए और फाइनली वो चले भी गए थे। किनके भाषण से? स्वामी सत्यदेव के भाषण सुने थे, और भाषण में क्या सुने थे कि अमेरिका में मजदूरी करके भी लड़के पढ़ सकते हैं। स्वामी सत्यदेव ने एक भाषण में कहा था कि अमेरिका में भी यहाँ के लड़के जा करके वहां मजदूरी करके पढ़ाई कर सकते हैं। तो देखिए मजदूरी करके लड़के अमेरिका में पढ़ सकते हैं, तो वे अमेरिका गए। कौन अमेरिका चला गया? इन्हीं सब बातों को याद करके जयप्रकाश नारायण जी ने फाइनली अमेरिका का यात्रा पकड़ लिया और उन्होंने अमेरिका चला गया। वहां वे बागानों में काम किए, बागानों में काम किए, वो कारखानों में काम किए, जहां जानवर मारे जाते हैं उन कारखानों में भी उन्होंने काम किया। देखिए किस तरह का, बस किस लिए? अपनी पढ़ाई करने के लिए। और यहाँ कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको लाखों सुविधा दे दो ना, क्या वो नहीं पढ़ते हैं? सोफा सेट पे बिछा दो, AC लगा दो रूम में, फिर भी नहीं पड़ेगा, और पढ़ने वाला तो कहीं भी पढ़ जाता है, सड़कों की लाइट पर भी वो पढ़ जाता है। देखिए आपके सामने जीता जागता सही उदाहरण, यहाँ पर मजदूरी करके JP जी ने पढ़ाई किया, कारखानों में काम किया, बागानों में काम किया, जहां जानवर मारे जाते हैं वहां पे भी उन्होंने काम किया। जब छुट्टी मिलती थी ना तो काम करके इतना तो जरूर कमा लेते थे कि कुछ खाने के लिए भी इंतजाम हो जाता था, खाना का भी व्यवस्था करना था ना, कुछ कपड़े भी खरीद लेते थे वो, और कुछ पैसे फीस के लिए काम आते थे, फीस मतलब पढ़ाई की फीस के लिए, ठीक है ना, ये समझ लीजिए आप लोग। अब देखिए इसके बाद, और बाकी हर दिन एक घंटा, और बाकी हर दिन एक घंटा रेस्तरा में, रेस्तरा जिसे हम लोग रेस्टोरेंट कहते हैं, होटल में बर्तन धोने का या फिर वेटर का भी वो काम कर लेते थे। देखिए किस तरह उन्होंने अपना जीवन पढ़ाई के लिए संघर्षशील रूप में बिताया। बाकी हर दिन एक घंटा रेस्तरा में, होटल में बर्तन धोने का काम किए, वेटर, वेटर समझते हो ना, खाना पहुंचाना, ऑर्डर लेना, खाना देना, इस सब भी काम करते थे। क्यों? ताकि शाम का भोजन मिल जाए उनको, शाम का वक्त का भोजन मिल जाए उनको। इसलिए घर में एक चरपाई थी जिस पर जयप्रकाश जी सोते थे और वहां का एक अमेरिकन लड़का भी रहता था, एक खटिया था वो, एक चरपाई थी रूम में, एक खाटी था, उसी खटिया पे दो लोग किसी तरह से बेचारे मेंटेनेंस कर रहे थे, अपना मैनेज कर रहे थे। जयप्रकाश जी थे और एक अमेरिकन उनका सहपाठी लड़का था, वे दोनों एक साथ एक ही रजाई में सो जाते थे। अब आज के लिखा होता ना, हमारा अलग ही रजाई चाहिए। इतवार के दिन, इतवार का मतलब रविवार हो गया, इतवार के दिन या फिर कुछ और टाइम जो एक्स्ट्रा टाइम हुआ करता था, उस टाइम में होटल के काम को छोड़ करके जूते साफ करने का भी काम करते थे वो। इस प्रकार इतनी संघर्ष और गरीबी से वहां उन्होंने BA पास किया। जयप्रकाश जी नारायण जी
बिहार विद्यापीठ से आईएससी की परीक्षा कर ली और इतना संघर्ष करके उन्होंने फाइनली बीए कर लिया। क्या कर लिया? बीए कर लिया। बात समझ में आया ना? ये बात तो सही है कि मेहनत रंग लाती है। बिल्कुल सही है दोस्त, मेहनत रंग लाती है, मेहनत रंग लाती है, मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाता है, ध्यान रखिएगा। स्कॉलरशिप मिलने के बाद वे डिपार्टमेंट का असिस्टेंट बन गए और फिर ट्यूटोरियल क्लास भी लेने लगे। इस तरह का उनका अमेरिकन प्रवास रहा। किनका? जयप्रकाश नारायण जी का। फाइनली चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, केवल क्वेश्चन आंसर हम लोग समझेंगे। जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों नहीं शामिल हुए? ये अक्सर क्वेश्चन पूछता है कि जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में इसलिए शामिल नहीं हुए क्योंकि उनका मानना था कि जो देश गुलाम है वहां के कम्युनिस्टों को अपने को आजादी की लड़ाई से अलग नहीं रखना चाहिए, चाहे उस लड़ाई का नेतृत्व किसी भी वर्ग के हाथ में क्यों ना हो, लेकिन अपने आप को वहां से अलग नहीं रखना चाहिए। यह विचार उन्होंने लेनिन से ग्रहण किया था, अतः इसीलिए उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल। चार नंबर क्वेश्चन में कह रहा है व्याख्या करना है। क्या करना है? व्याख्या करना है, समझिएगा। अगर कोई डेमोक्रेसी का दुश्मन है तो वो लोग दुश्मन है जो जनता के शांतिमय कार्यक्रमों में बाधा डालते हैं, उनकी गिरफ्तारी करते हैं, उन पर लाठी चलाते हैं और गोलियां चलाते हैं। देखिए इस तरह का क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, इस तरह का जो क्वेश्चन होगा कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, सप्रसंग व्याख्या करें, भावार्थ स्पष्ट करें, तो वो चीज ध्यान रखिएगा कि ये जो पंक्ति होती है ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको लिखना ही पड़ेगा कि प्रस्तुत पंक्ति जयप्रकाश नारायण द्वारा रचित संपूर्ण क्रांति पाठ से लिया गया है। जो लेखक होंगे, जो पाठ होगा, उनका नाम आपको यहाँ पे लिखाना पड़ेगा। देखिए ये बात कब आई थी? एक बार जयप्रकाश नारायण जी से पुलिस के एक उच्चाधिकारी मिलने आए। एक बार क्या था कि जयप्रकाश नारायण जी से एक पुलिस के हाई ग्रेड के आदमी आए थे मिलने के लिए, उच्च अधिकारी मिलने आए, और वो कह रहे थे कि दीक्षित जी के मुंह से सुना है। उन्होंने पुलिस के उच्च अधिकारी कह रहे कि मैं दीक्षित जी के मुंह से सुना हूं। किसके मुंह से? दीक्षित जी के मुंह से सुना हूं कि अगर जयप्रकाश नारायण जी ना होते तो बिहार जल गया होता, यानी बिहार को बचाने वाले जयप्रकाश नारायण जी है। देखो कितना बड़ा पॉलिश कर रहा था इनका मुंह पे, हैं, मुंह पे इनका बड़ाई कर रहा था किनका? जयप्रकाश जी का। तो यह सुनते ही नारायण जी प्रश्न करते हैं, यह बात जैसे जयप्रकाश नारायण जी सुने तो कहते हैं कि अच्छा, अरे यदि ऐसा ही है तो फिर मेरे नेतृत्व में होने वाले प्रदर्शन और सभा में लोगों को आने से क्यों रुकते हैं? बोलो क्यों हमारे आ रहे लोगों को उन्होंने बर्बादी किया, इस तरह से प्रताड़ित क्यों किया? लोग सड़क से आ रहे थे, बस से आ रहे थे, ट्रेन से आ रहे थे, कोई पैदल चल के आ रहा था, कोई ट्रैक्टर से आ रहा था, हर तरह से लोगों को पीटा गया, कहीं कुछ कर दिया गया, क्यों कहीं कुछ कर दिया गया, तबाही मचाया गया, क्यों ऐसा किया गया? आप कह रहे हैं, आप आए हैं हमारे मुंह पे मिठाई लगाने, हैं? दीक्षित जी के मुंह से सुन के आए कि अरे जयप्रकाश जी ना रहते तो बिहार जल गया होता। अरे जब ऐसा ही बात है तो फिर हमारा जो प्रदर्शन चल रहा था मेरे नेतृत्व में, आखिर क्यों ऐसा किया गया कि प्रदर्शन और सभा में लोगों को आने से क्यों रोका गया? क्या आप लोग जनता से घबराते हैं या फिर जनता के प्रतिनिधि होकर के उन्हीं के देश में उन पर प्रतिबंध लगाते हैं? आप लोग, ये जनता की देश है, लोकतंत्र है, ये जनता का देश है और जनता के द्वारा इस देश को तुम लोग क्या प्रतिबंध लगा रहे हो, हा? आप लोग जनता से घबराते हैं क्या, या फिर जनता के प्रतिनिधि होकर, आप जनता के प्रतिनिधि होकर के उन्हीं के देश पर, जनता के ही देश पर प्रतिबंध लगाते हो और तुम्हें ऐसा करते हुए शर्म भी नहीं आती है? तनिक भी शर्म नहीं आता तुमको? अगर देश में कोई प्रजातंत्र का दुश्मन है ना, तो वो लोग होते हैं जो जनता के शांतिपूर्ण कार्यक्रमों में बाधा डालते हैं, उन पर लाठियां चलाते हैं, गोलियां भी चलवाते हैं और उनकी गिरफ्तारियां करवाते हैं, वैसे लोग इस डेमोक्रेसी के बहुत बड़े दुश्मन होते हैं। जयप्रकाश जी उनसे कह दिया, पुलिस के उच्च अधिकारी से, हमारे द्वारा जितना भी शांतिमय कार्यक्रम हो रहा था, शांतिमय जुलूस हो रहा था, उन सब में तुम लोगों ने बाधा डाला, हमारे नेतृत्व में जो भी सभा हो रही थी सब में आ रहे लोगों को रोका गया, पीटा गया बेरहमी से, किसी को कुछ कर दिया, किसी के लिए किसी को बीच रास्ते में उतार दिया, टिकट के लिए ये कर दिया, गिरफ्तारी करवा दी, लाठियां चलवा दी, गोली बरसा दी। अरे तुम लोग ऐसे ही लोग डेमोक्रेसी के बहुत बड़े दुश्मन होते हैं, यही लोग, अगर कोई डेमोक्रेसी का दुश्मन है ना, तो वे लोग ही दुश्मन होते हैं जो इस तरह का कार्यक्रम में बाधा डालते हैं,
गिरफ्तारी करते हैं, उन पर लाठी चलाते हैं और गोलियां भी चलाते हैं। बात समझ में आया? ये कहते हैं चल पीडीएफ मिल जाएगा भाई, पीडीएफ के लिए ऐसे मत बोलो, लग रहा बहुत हमको अजीब सा लगता है। अब लोग बोलते सर प्लीज पीडीएफ, तरसते हो। अरे नहीं यार, मैं हमेशा से पीडीएफ दे देता हूँ ना, हिंदी लैंग्वेज का तो और ज्यादा मैं दे देता हूँ। चल व्यक्ति से नहीं, हमें तो नीतियों से झगड़ा है, सिद्धांतों से झगड़ा है, कार्यों से झगड़ा है। देखिए ये एक पंक्ति है जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा जो भी चीजें हुई थी उसमें आपको बताया क्या था, क्या जयप्रकाश जी कहते कि अरे व्यक्ति से नहीं, हमें तो सिर्फ नीतियों से झगड़ा है, हो सिद्धांतों से झगड़ा है, कार्यों से झगड़ा है। जो गलत नीति होगी, जो गलत काम होंगे, तो भैया उसके लिए मैं लड़ूंगा, उसका मैं हमेशा विरोध करता हूं, करूंगा और करते आया भी हूं, ठीक है ना। तो इस पंक्ति का हमें भावार्थ स्पष्ट करना है। तो इसमें भी आप लिख सकते हैं प्रस्तुत पंक्ति फलाना पाठ से चिलाना द्वारा लिखा गया है, लिया गया है, ये सब जो भी होगा अपना फंडा पूरा कर लीजिएगा। देखिए जयप्रकाश नारायण जी के कुछ पुराने मित्र चाहते थे, क्या चाहते थे कि उनके बीच यानी कि जेपी जी के बीच और इंदिरा जी के बीच मेल मिलाप बढ़िया से हो जाए। तो इसी बात पे वो कहते हैं, जयप्रकाश जी कहते हैं, उन्होंने बड़े ही स्पष्ट शब्दों में कहा, जयप्रकाश जी कहते हैं कि मेरा किसी से व्यक्तिगत झगड़ा तो गलत नीतियों, व्यर्थ के सिद्धांतों और फालतू कार्यों से है। इंदिरा जी से मुझे बहुत मतलब किसी से मेरा वो दुर्व्यवहार या फिर गलत संबंध, झगड़े का, विरोध का कोई तो मतलब ही नहीं बनता मेरे से किसी का भी। मुझे तो भैया बस दो तीन चीजों से दिक्कत है, गलत नीति होगी तो मैं झगड़ा करूंगा, मतलब विरोध करूंगा, सिद्धांत गलत होंगे तो मैं झगड़ा कर दूंगा, विरोध कर दूंगा, नीतियां गलत होगी, काम गलत होंगे तो मैं विरोध कर दूंगा। मुझे तो बस लोगों से व्यक्तिगत मुझे दिक्कत नहीं है, इंदिरा जी से मुझे दिक्कत नहीं है, किसी से भी कोई दिक्कत नहीं है। बस अगर व्यक्तिगत झगड़ा कब होगा, गलत नीति होगी, व्यर्थ के बेकार के सिद्धांत होंगे, गलत सिद्धांत होंगे और फालतू आपका जो कार्य होगा ना, गलत कार्य, तब मेरा झगड़ा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, बापू और नेहरू की किस विशेषता का उल्लेख जेपी ने अपने भाषण में किया है। देखिए बापू जी और नेहरू जी की विशेषता की बात आ गई। जयप्रकाश नारायण का यह कहना है कि जब वो नौजवान थे, क्या थे, नौजवान थे, जयप्रकाश नारायण जी जब युवा थे तो बापू जब कोई बात कहते थे और वो बात जेपी के विचारों से नहीं मिलता था, अर्थात जेपी को वो बात जब अच्छी नहीं लगती थी तो वो सीधे बापू के सामने बोल देते थे। बापू जी यानी कि गांधी जी को जब कोई बात कहते थे और जेपी जी सामने सुन रहे होते हैं, अगर जेपी जी को वो बात अच्छा नहीं लगा ना, बस तुरंत ही जाकर गांधी जी के मुंह पर बोल देते थे कि बापू आपका ये बात गलत है, ये बात हम मानने वाले नहीं है। वो मुंह पर बोल देते हैं, ऐसे आदमी बड़ी अच्छे होते हैं, हो जो भी बात है मुंह पे स्पष्ट कर दो, पीठ पीछे शिकायत करने वाले फलनवा की जानते हो, फलनवा तेरे बारे में ऐसे कह रहा था, इस सब बात के चक्कर में ना, वो आदमी अच्छा होता है जो स्पष्ट मुंह पे ही बोलता हो। तो वो सीधे बापू के सामने बोलते थे कि बापू ये बात हम नहीं मानते। बापू में इतनी महानता थी कि वो बुरा भी नहीं मानते थे और गांधी जी इस बात को बुरा नहीं मानते थे। जब जेपी कहते थे कि मैं आपकी बात नहीं मानूंगा तो उनको बुरा भी नहीं लगता था, बहुत महानता थी कि वो बुरा नहीं मानते थे। जेपी जी कहते हैं कि मैं जवाहरलाल नेहरू को हमेशा भाई कहता था और वो भी बड़ा भाई, वो भी मुझे बहुत मानते थे, मैं उनका बड़ा आदर और बहुत ही ज्यादा प्रेम करता था, नेहरू जी का भी बड़ा ही स्नेह था मुझ पर, मैं उनकी भी आलोचना करता था, उनकी भी अगर कई ऐसी बातें आती थी जो नहीं मानने वाली थी तो मैं उनकी भी आलोचना कर देता था, लेकिन उनमें भी बड़प्पन था कि वो कभी बुरा नहीं मानते, वो भी बुरा नहीं मानते थे। तो गांधी जी यानी कि बापू और नेहरू की विशेषता रही कि जब वो लोग कोई बात कहते थे और मुझे पसंद वो बात नहीं आती थी, मैं उसका समर्थन नहीं कर पाता था, तो मैं उन दोनों के मुंह पर ही टोक देता था कि बापू आपकी ये बात गलत है, मैं नहीं मानूंगा, जवाहरलाल नेहरू जी आपका भी ये बात मैं नहीं मानूंगा। लेकिन इन दोनों की विशेषता थी, देखिए ये कितनी बड़ी बड़प्पन है इनकी, इन लोगों की महानता है कि वे बुरा नहीं मानते थे। तो यही बात है इनमें, ठीक है।
क्वेश्चन जो पूछ रहा है उसका आंसर यही रहेगा, आप लोग अपने शब्दों में लिखेंगे। अगला क्वेश्चन जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भ्रष्टाचार की जड़ क्या है। अरे भ्रष्टाचार की जो मुख्य जड़ है उसके बारे में चर्चा करेंगे दोस्त, क्या आप जेपी से सहमत है, इसे दूर करने के लिए क्या सुझाव देंगे। देखिए भ्रष्टाचार की जो जड़ है ना वो चुनावों का सबसे बड़ी खर्च है। चुनाव में सबसे ज्यादा जो खर्च हो रहा है ना यही सबसे बड़ा मुद्दा है भ्रष्टाचार का। देश में होने वाले चुनाव में करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, वो करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं। यह सब रुपया ब्लैक मार्केटियर लोगों से इकट्ठा किया जाता है और इसका कोई हिसाब किताब तक नहीं होता है। ब्लैक मार्केटियर लोग, ब्लैक मनी ये होता है जो करोड़ों रुपए चुनाव में खर्च किए जाते हैं, बड़े बड़े बैनर्स बनते हैं, लोगों को दिए जाते हैं। कई जगह पे ऐसा होता है कि रात को शराब का बोतल पियकर लोग को दिया जाता है कि लो जाके ये बटन टिप दिया और पी के आएगा, अपन रतिया में घर आएगा तो अपने मेहरानियों को दू थप्पड़ देगा, बोलेगा जाइए कल कल जाके ये बटन टिपेगा, बना टिपे तो कल से घरे ना आवे दे, समझ लीजिए। मतलब कई जगह पे औरतों के लिए साड़ियां बटवा देते हैं लोग, कंघी साड़ी पैसा पन 500, मतलब क्या मतलब तरीका हो गया है चुनाव का। करोड़ों रुपए खर्च किया जाता है और इन रुपए का कोई हिसाब किताब नहीं होता है। जयप्रकाश जी से तो बिल्कुल हम सहमत है जी, हम भी जयप्रकाश जी के कथन से सहमत है और इसे जब दूर करना हो तो कुछ उपाय है, वैसे तो बहुत सारे उपाय है लेकिन कुछ उपाय, चुनावे के खर्च को कम किया जाए। चुनाव के खर्च को क्या किया जाए भाई, कम किया जाए। चुनावों में किए गए खर्च का सारा हिसाब किताब लिखित रूप से लिया जाना चाहिए। अधिक खर्च करने वाले लोगों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही भी करनी चाहिए। बात समझ में आया? चलो बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। अब हम बात करने वाले होते हैं अगले क्वेश्चन पे, दलविहीन लोकतंत्र और साम्यवाद में कैसा संबंध है। जेपी जी का कहना है कि दलविहीन लोकतंत्र तो मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद के मूल उद्देश्यों में से है। मार्क्सवाद के अनुसार समाज जैसे जैसे साम्यवाद की ओर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे राज्य जो होता है ना स्टेट का क्षय होते जाता है, यानी कि वो स्टेटलेस सोसाइटी बन जाती है और अंत में एक स्टेटलेस सोसाइटी बन जाती है। देखिए समाज जैसे जैसे साम्यवाद की ओर जाएगा तो स्टेटलेस सोसाइटी का समाज का निर्माण होता है। वह समाज अवश्य ही लोकतांत्रिक होगा लेकिन समाज में लोकतंत्र का सच्चा स्वरूप प्रकट होगा और लोकतंत्र निश्चय ही दल विहीन होगा। उस स्थिति में लोकतंत्र में कोई दल नहीं होगी, कोई पार्टी नहीं होगी, दल विहीन लोकतंत्र हो जाएगा। चलो ये सब हम पढ़ा दिए थे। संघर्ष समिति जो बनेगी उसे जयप्रकाश नारायण की क्या अपेक्षाएं हैं। जयप्रकाश जी चुनाव की प्रक्रिया के लिए, प्रतिनिधि के लिए, उम्मीदवारों के लिए संघर्ष समिति एक नाम दिए हैं, संघर्ष समिति एक टीम बन रही है उनकी, उससे वो लोग क्या अपेक्षा करते हैं, जयप्रकाश नारायण जी क्या सोचते हैं। देखिए संघर्ष समितियों से जयप्रकाश नारायण की यही अपेक्षाएं थी कि उनका काम, संघर्ष समिति एक टीम मेंबर बनेगी जिसमें कुछ ऐसे लोगों का नियुक्ति किया जाएगा और उनका कुछ काम होगा। वो कौन सा काम होगा, वो शासन से संघर्ष करना काम नहीं होगा केवल, बल्कि उनका काम तो ये भी होगा कि समाज के हर अन्याय और अनीति के विरुद्ध संघर्ष करने का होगा। देखिए जहां पर गलत काम हो रहा है उनकी टीम जा करके उन चीजों को संभालेगी, समझेगी और उसका विरोध करेगी। जहां पर अन्याय हो रहा है वहां पर न्याय दिलाएगी। अगर असत्य की लड़ाई हो रही है तो सत्य का काम होगा। मतलब अच्छे चीजों के लिए इनकी संघर्ष समिति वहां पर जाएगी और संघर्ष करेगी। नाम ही है संघर्ष समिति, ऐसी समिति जो संघर्ष करके चीजों को सुधार लाएगी। ठीक है, अब देखिए और इस प्रकार से इन समितियों के लिए बराबर एक महत्वपूर्ण कार्य रहेगा, इनका जिम्मेवारी बना रहेगा कि संघर्ष समिति का ये काम है। गांव में छोटे अफसर हो या कर्मचारी के हो, कोई भी हो, पुलिस के हो या अन्य किसी भी प्रकार के जो भी लोग हो, जो घुसखोरी करेगा उसके खिलाफ संघर्ष वहां पर होगा। संघर्ष समिति जाएगी, अगर घुसखोरी होगा तो भाई उन पर कार्यवाही भी की जाएगी। गांव में तरह तरह के जो अन्याय होते हैं ना, मतलब किसी भी आधार के हो, जमीनी विवाद हो, कोई भी विवाद हो, तो ये समितियां उन पर जाकर के उनका विरोध करेगी और न्याय दिलाएगी। ठीक है ना। अब चलिए चुनाव सुधार के बारे में जयप्रकाश जी के प्रमुख सुझाव क्या है। चुनाव सुधार के बारे में जयप्रकाश जी का प्रमुख सुझाव निम्नलिखित है। चुनाव सुधारने के लिए क्या किया जाए। देखिए चुनाव की पद्धति में आमूल परिवर्तन होना चाहिए। जो ये पुराने तरह का पद्धति है ना इसको पहले बदलना चाहिए। चुनाव पर जो होने वाला खर्च होता है ना, करोड़ों रुपए का खर्च, इसको कम करना चाहिए। अभी देखो अभी क्या चल रहा है, अभी देश में कोरोना चल रहा है, अभी देश में क्या हो गया है, कोरोना हो गया है, कोचिंग विद्यालय सब कुछ बंद हो गया है। एक वीडियो बहुत अच्छा वायरल हुआ था
देखो कोरोना कब आई रहे तो 1 साल पहले, तो वो अभी लड़का है तो कहाँ जाएगा, स्कूल में जाएगा, 18 वर्ष का होगा तब ना नेताजी के रैली में जाएगा। तो चुनाव का प्रोसेस, चुनाव कैंसिल नहीं होगा लेकिन एग्जामिनेशन कैंसिल होगा। मैं इस बात का विरोध भी नहीं कर रहा हूँ तो समर्थन भी बहुत ज्यादा नहीं कर रहा हूँ, बस एक्सेप्ट करते जाना है। कर भी तो क्या सकते हैं हम लोग, वही चीजें हो गई। चुनाव पर जो खर्च हो रहा है ना उसको कम करना चाहिए, गरीब उम्मीदवारों के चुनाव में भाग लेने का प्रयास करना चाहिए। चुनाव में मतलब इनमें भी देखो ना, तो बड़े स्तर पर जाओगे तो नेपोटिज्म इनमें भी है, इनमें भी नेपोटिज्म रहता है, परिवारवाद, इसी परिवार का लोग चुनाव में मुख्यमंत्री बन जाएंगे, ये बन जाएंगे, वो फलाना चिलाना पोस्ट पर चले जाएंगे, गांव स्तर पर तो लोग लड़ते रहते हैं। तो गरीब उम्मीदवारों के चुनाव में भाग लेने का प्रयास करना चाहिए। मतदान की जो प्रोसेस होती है, वोटिंग का जो प्रोसेस है वो स्वच्छ होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए। दबाव ना जाके हो ही पर बटन टिपी हो ना टिपल तो अब घर तो बड़ी मारपीट हो, यही सब क्या नहीं वोट दोगे ना तो बड़ा वाला पैसा तेरा खाता पर जाइबे ना करी, सोच लिया राशन कार्डवा कैंसिल करवा देता है। इस तरह का माहौल बन गया है, डरे डरे मतलब एक फलनवा किसी का द्वार ढलाई करवा दिया ना तब वो जीवन भर ओकरे के वोट देगा, क्या द्वारवा ढलाई हुआ है उसका। चापाकल एगो मिल जाएगा ना, चापाकल के लिए वोट फिक्स हो गया, अब कुछ करो एगो चापाकल हमको दिया है फलनवा ओकरे पे वोट देंगे। लीजिए मतदान प्रक्रिया स्वच्छ हो, स्वतंत्र हो, आपके ऊपर किसी तरह का दबाव नहीं होना चाहिए भाई। वो मतदान ही तो ऐसा होता है जो स्वतंत्र रूप से होना चाहिए। उम्मीदवारों के चयन में मतदाताओं का हाथ वास्तव में होना चाहिए, मतदाता ही उम्मीदवार को चुने ऐसा प्रोसेस हो। चुनाव के बाद मतदाताओं का अपने प्रतिनिधियों पर अंकुश हो, इनके विधायक जी विधायक बने के पहले 5 साल पे खाली है बस, चाचा भैया बहनी माता जी लोग कितनी ध्यान देवे के हो, हमारे पर ये 4 नंबर पर हमारे बाटे ये स्कॉर्पियो छाप ठीक देवे के बाद। हाँ हाँ विधायक जी गए 5 साल पहले खाली हाथ जोड़ लेगा बेचारे, विधायक तो बन गए जीत गए, जीत जाने के बाद गए वो अब मतदाता लोग 5 साल रौरा हाथ जोड़ी कि ये विधायक जी हमारे को ही काम बा, अब सुनने वाला बड़े चल गए अपन मोदी जी से भेंट करे खातिर, अब ये बेटा तरह तरह के दिल्ली भेटे हैं, अब 5 साल रौरा से हाथ जोड़वाई लोग। इसलिए कहना है जेपी जी का कि ऐसा चुनाव का प्रक्रिया होना चाहिए कि मतदाता जब मत दिया है, अपना उम्मीदवार को जिताया है, प्रतिनिधि बनाया है, तो प्रतिनिधि पर भी उनका अंकुश होना चाहिए। हैं? अब विधायक जी के ऊपर जब प्रेशर रह कर ना भाई मतदाता लोग हमारा मने बा घिरल बा क्या जी विधायक जी हई हई काम कब ले हो, 1 साल हो गई जी तला रौरा अभी ले कुछ भइल ना, तो उनके ऊपर भी अगर लगाम रहेगा तभी ना वो भी काम करेंगे। यदि जनता का कोई प्रतिनिधि गलत कार्य करता है तो संघर्ष समितियां उसे इस्तीफा देने के लिए बाध्य करें। जो भी प्रतिनिधि गलत काम कर रहा है, जो लग रहा है कि अरे भाई तो हम लोग गलत से इसको वोट देकर के जिता दिए हैं और ये उस लायक नहीं है, तो उसको बाधित करो, वो इस्तीफा दे, इस्तीफा देने के लिए बाध्य करें। तरह का प्रोसेस होना चाहिए भाई, ठीक है ना। हाँ जब जीत जाएगा ना तो डायरेक्ट फोन करेगा, हाँ नरेंद्र मोदी जी, अरे बस बस आते बने हफ्ता वो मोदी जी के चल जाएगा, विधायक बन जाएगा, मतलब आपके घर दरवाजे पर 5 साल तक वो झांकी मारने तक नहीं आएगा कि किसके घर में कौन मरा कौन जिया, ऐसे कम विधायक लोग हैं या ऐसे कम प्रतिनिधि हैं जो दुख में आपका साथ दे, बहुत कम मिलेंगे बहुत ही। देखिए फाइनली लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ तो ये लोग तो हम लोग कर लिए थे जी चुनाव प्रक्रिया वाला, तो देखो ये सब समझने की चीज है, अगर आप आसानी से समझो ना तो आप लोग कर सकते। दिनकर जी का निधन कहाँ और किन परिस्थितियों में हुआ था ये चीज बताना है, ठीक है। एक दिन क्या हुआ कि जयप्रकाश नारायण जी मद्रास में अपने मित्र ईश्वर अय्यर के साथ, किनके साथ, ईश्वर अय्यर के साथ रुके थे वहां पर मद्रास में, वहां दिनकर जी गंगा बाबू मिलने आए थे मद्रास में, ये ईश्वर अय्यर के साथ थे वहां पर मद्रास में, जेपी नारायण जी ईश्वर अय्यर के घर पे रुके हुए हैं, और दिनकर जी और गंगा बाबू भी वहां मिलने आए थे। वहां दिनकर जी बहुत ही प्रसन्न दिखे, खुश थे, कुछ चीजें भी सुनाए वहां पर। एक दिन अचानक रात को दिल का दौरा पड़ा, 3 मिनट में उनको विलिंगडन नर्सिंग होम अस्पताल पहुंचाया गया रामनाथ जी गोयनका के द्वारा। रामनाथ जी गोयनका जी जो थे ना वो लेकर के
चले गए उनको विलिंगडन अस्पताल में। वहां तो हर तरह की भैया व्यवस्था थी, इंतजाम था, लेकिन दिनकर जी फिर भी वहां पर बच नहीं सके और उसी रात उनका निधन हो गया। तो दिनकर जी का निधन का कारण था दिल का दौरा। तो आज ये सेशन खत्म हो गया दोस्त। संपूर्ण क्रांति जो पाठ का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर है वो आप लोग का हो गया। थैंक यू सो मच। अगर इसका फुल चैप्टर का एक्सप्लेनेशन, तो जाइए देखिए, हंसते रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, माता पिता बड़ों का आदर कीजिए, सेवा कीजिए, गुरुजनों का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए और गुरुजनों की बात को मानिए। सबसे बड़े गुरु आपके माता और पिता होते हैं। खूब मन लगा करके पढ़ो, स्वस्थ रहो। कोरोना का काल चल रहा है, कोरोना से बचो पहले, है ना। घर पे रहो, पढ़ाई करो, चटियप्पा बहुत कम करो, हाय प्रिया कैसी हो ये सब मत करो चैट वेट में, ठीक है ना। बड़ी मार पिटाओगे तुम लोग, हैं पिटाते नहीं हो घर पे। मोबाइल वोबाइल तुम लोग का चेक नहीं होता है जी। मोबाइल अगर चेक होगा ना तो कितने लोग पासवर्ड लगा कर रखा होगा, पर्सनल एकदम, हैं यही सब। पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो सब, ठीक है ना। बाय बाय, टाटा, हेलो से सनिहाट, चलो फिर मिलेंगे कल के क्लास में। थैंक यू सो मच। हिंदी वाला टेस्ट सीरीज आप लोग जा करके जरूर लीजिए, प्ले स्टोर से साइंस संग्रह एप्लीकेशन इंस्टॉल कीजिए और जा करके वो टेस्ट सीरीज हिंदी वाला खरीद लीजिए फटाफट से अभी। थैंक यू सो मच। आज का सेशन कैसा रहा जरूर आप लोग बताइएगा, ठीक है। बाय, गुड नाइट, लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे आप नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।